हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष शांडे आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है, या मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि जिसका नाम है कैलेडियम। कैलेडियम का इस्तेमाल बहुत सारे रोगों में किया जाता है, जो कि कुछ गंभीर भी होते हैं और साधारण भी होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये मेडिसिन यूज़ में आती है। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैलेडियम का पहला यूज़ देख लेते हैं, ये कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं ये जो सिगरेट, तंबाकू या बीड़ी या तंबाकू के किसी न किसी रूप में प्रयोग करते रहते हैं और काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, और इसका असर होता है, इसका प्रभाव होता है उनकी हार्ट की हेल्थ पर। जब ये हार्ट की हेल्थ पर इफ़ेक्ट करता है तो उन्हें बहुत सारे हृदय रोग हो जाते हैं, यहाँ तक कि कई बार अस्थमा भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या वो करना चाहिए? तो सीधा सा है कि हमें सबसे पहले जो सिगरेट, तंबाकू या बीड़ी का उपयोग किया जा रहा है उसे बंद करना चाहिए। लेकिन ये बंद है कि होती ही नहीं है, तो कैसे होगी ये बंद? जब हम कैलेडियम 30 का इस्तेमाल करेंगे, 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो आपकी तीव्र इच्छा होती है तंबाकू या सिगरेट या बीड़ी लेने की, उसको डाइवर्ट करके ये एवर्जन में बदल देती है, यानी कि तंबाकू के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यूज़ है। न केवल ये कि आपकी हार्ट की हेल्थ को ठीक करेगा, बल्कि आपके जो डिटेरियरेटिंग इफ़ेक्ट्स जो आगे आने वाले हैं या कॉम्प्लिकेशंस पैदा होने वाले हैं उनसे उनकी भी रोकथाम करेगा। तो इस प्रकार से ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यूज़ है कैलेडियम का। दूसरा देख लेते हैं, ये जो मेल्स एंड फीमेल्स होते हैं उनकी सेक्सुअल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। तो मेल्स और फीमेल्स में दोनों में ये जननांगों की खुजली पैदा करता है, ये खुजली के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रोराइटिस वल्वा कहलाता है या प्रोराइटिस जेनाइटल्स कहलाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा खुजली का अनुभव होता है, तो यहाँ पर 30 प्रेगनेंसी में दिन में 3 बार इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। मेल्स में ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को मेंटल डिप्रेशन होता है, किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे उनका फाइनेंशियल लॉस हो या रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं या फिर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली सिचुएशन है, तो यहाँ पर उनको जो है इम्पोटेंसी डेवलप हो जाती है। तो मेंटल डिप्रेशन अलॉन्ग विद इम्पोटेंसी के लिए कैलेडियम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। फीमेल्स में भी ये प्रोराइटिस वल्वा यानी कि जननांगों की खुजली पैदा करता है, खुजली के लिए दिया जाता है, और यहाँ पर पर्टिकुलरली ऐसा देखा गया है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान में ये खुजली हो रही हो तो और म्यूकस डिस्चार्ज भी निकल रहा हो वजाइना से, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी औषधि है। तो देखा आपने कि किस प्रकार से ये बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। चलिए अब हम तीसरे यूज़ की तरफ चलते हैं कैलेडियम के, कि आपने देखा होगा कई लोग, या आप भी उनमें से हो सकते हैं, कि जिनको कि अगर कहीं जाते हैं तो मक्खियाँ ज़्यादा परेशान करती हैं। ये भी देखा जाता है, किसी को तो नहीं करती हैं लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा करती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उनका जो स्वेट होता है उसमें कुछ ऐसी मिठास वाली सब्सटेंस है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होती है, और ये कैलेडियम का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिम्टम है। अगर आपको इस तरह का सिम्टम है तो आप कैलेडियम 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मक्खियाँ आपको परेशान नहीं करेंगी। चौथा यूज़ देख लेते हैं कि कैलेडियम जो है वो इरेक्टेशंस यानी डकारों के लिए दी जाती है। तो डकारें कैसी होती हैं? फ्रीक्वेंट होती हैं, बार बार आती हैं, और क्या रहता है इनमें, ये छोटे छोटे अमाउंट में जो गैसेस होती हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं। तो इरेक्टेशन चूँकि फ्रीक्वेंट होती हैं, थोड़े गैसेस के साथ में होती हैं, और उसमें पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसका जो स्टमक है या पेट है उसमें ड्राई फूड भरा हुआ है, यानी सूखा हुआ खाना भरा हुआ है, और वो जो है वो गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिम्टम है, और इस
के आधार पर दिया जाए, 30 पोटेंसी में दिया जाए, दिन में 3 बार दिया जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। अब पांचवा बहुत अच्छा इस्तेमाल है और उसको भी देख लेते हैं। कई लोगों को ऐसा होता है कि मच्छर काट लेते हैं या इंसेक्ट काट लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन देते हैं कि ऐसे लोग जिनको कि थोड़ा सा भी मच्छर या कोई इंसेक्ट काटने की वजह से और उस जगह पर बहुत ज़्यादा जलन और दर्द पैदा होता है, खुजली पैदा होती है कि वो उसको बियर करने में उनको मुश्किल आती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वो पार्ट बहुत जलता है और खुजली करता है। तो ऐसी स्थिति में कैलेरियम 200 पोटेंसी का इस्तेमाल करेंगे, दिन में 3 बार करेंगे, तो न केवल ये खुजली से राहत देगा बल्कि जलन को भी शांत करके स्किन में स्मूथनेस पैदा करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा 5 महत्वपूर्ण सिम्टम थे कैलेडियम के। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। हाँ, एक और अलग सा यूज़ है जो कि एक बोनस सिम्टम है हमारे इसमें, कि ये जो पेशेंट्स होते हैं या आप उनमें से हैं जिनको की नींद जो है वो थोड़े से भी साउंड से डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि आप सोने तो गए हैं लेकिन अगर थोड़ी सी भी आवाज़ हो जाए तो आपकी नींद ख़राब हो जाती है और फिर नींद नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति में कैलेडियम 30 का इस्तेमाल दिन में 3 बार आपकी जो नींद है उसको अच्छे से लेके आएगा और नॉइजेस की वजह से आपकी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये थी जानकारी कैलेडियम के बारे में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आपकी तरफ से कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए और मैं कोशिश करूँगी कि उनके ऊपर वीडियो बनाऊँ। आप उसे 3 तरीके से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पहला, मैसेज बॉक्स में जाके अपनी क्वेरीज लिख के सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। दूसरा है आयुष क्योर ऐप, जिस पर कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आयुष क्योर ऐप डाउनलोड करिए और उसमें रजिस्टर होकर अपॉइंटमेंट टाइम फिक्स करिए और इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन मिलेगा। तीसरा, मेरा जो नंबर डिस्प्लेड है उसके ऊपर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।